ओशो फ्रेग्रेंस नागपुर सेंटर द्वारा 8 से 13 अक्टूबर तक ओशो ध्यान साधना शिविर का आयोजन मोहपा रोड पर नील फार्म में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए ओशो अनुज स्वामी शैलेंद्र सरस्वती और मां अमृत प्रिया खास तौर पर नागपुर में आए हैं, जो साधना शिविर में मार्गदर्शन करेंगे। कॉन्फ्रेंस इसलिए लेना पड़ता है ताकि जन जन तक बात पहुँच सके, लोगों तक पहुँच सके। आधुनिक युग आप जानते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, तो अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से बहुत लोगों तक बात पहुंच सकेगी। मैं अकेला घूम घूम के कहां तक बात पहुंचाऊंगा, तो निश्चित रूप से मीडिया का उपयोग इसमें किया जाना चाहिए। आधुनिक युग प्राचीन युग से बहुत अलग हो गया है, विभिन्न आयामों में बहुत चीज़ें बदल गई हैं, और इस बदलाहट के साथ धर्म को, ध्यान को भी बदलना होगा। सद्गुरु ओशो ने आधुनिक मनुष्य के लिए ध्यान कैसे उपयोगी हो सकता है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी, उस प्रकार की ध्यान विधियां निर्मित की। तो विशेष रूप से मैं कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान लाना चाहूँगा जो बहुत तेज़ी से बदल गए हैं। पुराना युग में बड़ा धीरज था, लोग प्रतीक्षा पूर्वक साधना किया करते थे। कहा जाता था कि जिंदगी भर साधना करनी होगी, जन्मों जन्मों साधना करनी होगी। आज के आदमी के पास इतना समय नहीं है, वक्त नहीं है। अभी तो कुछ जेट स्पीड मेथड कि कोई एक दिन के लिए आया है तो एक दिन में ही उसको कुछ शांति का अनुभव हो जाए तो ही वह दूसरे दिन आएगा, वरना कभी नहीं आएगा। पुराने युग में धर्मों का कहना था कि हम पे भरोसा करो, श्रद्धा करो, विश्वास करो। आज का आधुनिक शिक्षित व्यक्ति किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकता। विज्ञान ने हमें संदेह करना सिखाया है, एक्सपेरिमेंट करना सिखाया है, तो ओशो की बात आधुनिक विज्ञान से मैच करती है। ओशो कहते हैं मानो मत जानो, तुम स्वयं प्रयोग करो। तो एक वैज्ञानिक चिंतन मनन के साथ ओशो ने ध्यान को प्रस्तुत किया है। पुराने धर्मों में त्याग तपस्या पर बड़ा जोर था, परिवार को छोड़ दो, समाज को छोड़ दो, शहर छोड़ दो, पर्वतों जंगलों में जाके गुफा में एकांत में बैठो। ओशो ने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर में रहते हुए, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए, सुख सुविधा में रहते हुए ध्यान साधना कर सकते हो। ध्यान का अर्थ है जागरूकता की वृद्धि, इंक्रीजिंग अवेयरनेस। तो इसमें किसी त्याग की ज़रूरत नहीं है और ना ही स्वयं को कोई कष्ट पहुँचाने की ज़रूरत है, किसी तपस्या की ज़रूरत नहीं है। अगला बिंदु मैं कहना चाहूँगा कि पुराने धर्म और उनको मानने वाले लोग बहुत गंभीर और सीरियस थे। ओशो कहते हैं सीरियसनेस इज ए स्पिरिचुअल डिसीज, गंभीरता एक आध्यात्मिक रोग है। ओशो ने हमें हंसता नाचता गाता हुआ धर्म दिया, और उन्होंने ऐसी मेडिटेशन टेक्निक ईजाद की जिसमें मेडिटेशन प्लस सेलिब्रेशन, आनंद है, उत्सव है। ओशो ने संगीत को बहुत महत्व दिया, ध्यान के साथ जोड़ा, क्योंकि हमारे भीतर भी हमारी आत्मा में ओंकार का संगीत अनाहत नाद गूंज रहा है, तो बाहर का संगीत उसके श्रवण में बड़ा सहयोगी हो सकता है। ये एक नई बात ओशो ने ईजाद की, और निश्चित रूप से इसके कारण ध्यान की विधियां बड़ी सरल और सुगम हो गईं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।